पंजाब के जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाले की रविवार शाम को गोलियों से हत्या कर दी गई और हत्या के बाद काफी ज्यादा बवाल भी मचा। सिद्धू मूसेवाले की हत्या को लेकर SIT की जांच जारी हो चुकी है और इसी बीच सिद्धू मूसेवाले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताना चाहेंगे कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर देने के बाद कुछ ही घंटों में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के एक मेंबर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जिस मेंबर का नाम था गोल्डी बरार, और इसके बाद काफी ज्यादा हड़कंप मचा। बताया तो ये भी गया कि इस हत्या के बाद पंजाब के कई सारे सिंगर इस ग्रुप के निशाने पर हैं, लेकिन इसी बीच अब लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद एक बार फिर से पंजाब दिल्ली में गैंग वॉर शुरू हो सकता है और इसके पीछे वजह भी है। बताना चाहेंगे कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद नीरज बवाना गैंग ने खुला चैलेंज दिया है और इस गैंग ने मूसेवाला की हत्या की आलोचना करते हुए गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दे डाली है। इस गैंग ने यहां तक कह दिया कि हम 2 दिन के अंदर इस हत्या का बदला ले लेंगे। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि विक्की डोंगर और बम्बीहा गैंग के बाद अब नीरज बवाना भी खुलकर मैदान में आ गया है। नीरज बवाना गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट में सिद्धू मूसेवाले की हत्या की निंदा करते हुए खुली धमकी दी है। नीरज बवाना गैंग ने कहा है कि वो 2 दिन के भीतर रिजल्ट देंगे। इसी के साथ ही अगर नीरज बवाना की बात करें तो नीरज बवाना दिल्ली का रहने वाला है। उस पर हत्या, डकैती, लूटपाट, फिरौती समेत कई सारे संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। वह तिहाड़ जेल में बंद है, वहीं से गैंग को वो ऑपरेट कर रहा है। नीरज की गैंग में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बदमाश शामिल है। दिल्ली में गैंगस्टर नीतू दबोदा के एनकाउंटर के बाद नीरज बवाना का दबदबा बढ़ गया। हालांकि सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने भले ही ले ली है और लॉरेंस ने कनाडा बैठे साथी गैंगस्टर गोली बराड़ ने यह जिम्मा भी लिया था। इसके बाद बताया गया कि बम्बीहा गैंग भी सामने आया। उन्होंने दावा किया कि सिद्धू मूसेवाले का गैंग से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद अगर मूसेवाले को उनके साथ जोड़ा जा रहा है तो इस बात का वो जरूर बता लेंगे। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि कई सारे गैंग अब एकजुट होकर सिद्धू मूसेवाले की हत्या का बदला लेना चाह रहे हैं। पर ऐसे में वो कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक एक बार से गैंग वॉर की शुरुआत हो सकती है और इन 5 गैंग के गठजोड़ के बाद ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनके 12 शार्प शूटरों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनमें से 3 शूटर्स ने विक्की मधुकेड़ा की हत्या की बात कबूली थी।